रूपल मिसेस एशिया इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी क्वीन 2017 की खिताब को जीत लिया है, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपने अनुभव और खिताब हासिल करने को लेकर अब तक की अपने सफर के बारे में जानकारी दी। ज्योति रूपाल ने पिछले 30 नवंबर 2017 को चीन में आयोजित मिसेस एशिया इंटरनेशनल वर्ल्ड ग्रैंड फाइनल 2017 के दौरान क्लासेस मिसेस एशिया इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी क्वीन 2017 के खिताब से नवाजा गया। इस प्रतिष्ठित आयोजन में वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, चीन, न्यूजीलैंड, मकाऊ, यूके, थाईलैंड, सिंगापुर सहित 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेताओं का चुनाव काफी कठिन था क्योंकि सभी प्रतिभागी अपने अपने देश के मिसेस खिताब की सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता थी, परंतु एक सैन्य अधिकारी कर्नल डीएस रूपाल की पत्नी ज्योति ने अपने संयम को बरकरार रखा और प्रतियोगिता में मिसेस पॉपुलैरिटी क्लासिक को अपने नाम किया। 30 नवंबर को मिसेस एशिया इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी क्वीन का टाइटल मिला है। ये कंपटीशन चाइना में हुआ था 26 से लेकर 1 दिसंबर तक, एंड इसमें 30 कंटेस्टेंट्स थे जो 16 कंट्रीज से आए हुए थे। सो मेरे लिए इट हैज़ बीन अ वेरी इनक्रेडिबल जर्नी, एंड पिछले एक साल से मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ। मेरा ये तीसरा पैजेंट है, पहले मैंने जोनल में पार्ट लिया, फिर मैंने नेशनल लेवल में, और फिर मुझे चुना गया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चाइना में। फील हो रहा है बिकॉज इट्स गिवन मी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड फुलफिलमेंट, और मुझे एक वॉइस ऑफ होप मिला है।